subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मंदसौर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया आचार संहिता लगने से पहले सभा को संबोधित। कहा, सरकार की नीयत में खोट है। हम आपको बता दें, मंदसौर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि झूठ बोलकर सत्ता हासिल की जा सकती है, लेकिन जनता का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता। वहीं शिवराज बोले, भाजपा ने जनता का विश्वास हासिल किया है, कमलनाथ सरकार की नीयत में खोट है। आचार संहिता का बहाना बनाकर जनता को मूर्ख बनाने के लिए सिर्फ मैसेज भेजे जा रहे हैं। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज के लिए। प्रेरित करना है, माता बहने बैठी है बड़ी संख्या में, इन सबको भी प्रेरित करना। और हमारा संकल्प है कि 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते और प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी के गले में जो फूलों की माला पड़े फूल मध्य प्रदेश के हों। बीजेपी जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सुरक्षित भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत, ये हमारे मुद्दे हैं। और सक्षम नेतृत्व मतलब नरेंद्र मोदी जी, उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनके सामने बाकी जितने महागठबंधन के लोग हैं, हम उसको ठगबंधन कहते हैं, वो बहुत बौने हैं। और इसलिए मजबूत भारत के लिए मजबूत नेता चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार देंगे नरेंद्र मोदी जी, मजबूत सरकार नहीं दे सकते विपक्षी दल। असल कमलनाथ ने कल जो है नई घोषणा कर दी, कमलनाथ ने जो है कहीं नई घोषणा करी युवाओं के लिए, जो बैंड की क्लास वो तो मजाक कर रहे हैं, इतने हड़बड़ाए हुए हैं कि वो मौका देख रहे थे कि कब आचार संहिता लगे तो फिल्म छूटे, ये कर्जा माफी और बेरोजगारी। दो घंटे तीन घंटे पहले घोषणा कर दी, क्या कहेंगे आप? जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको पता चली, उनका अच्छा मौका है, पिंड छुड़ाओ और सबको सूचना भेज दो मोबाइल पर। 2 बजे अब, अभी नहीं, 2 ही बजे अभी नहीं, अब लोकसभा चुनाव के बाद आपका कर्ज माफी पर। सर केंद्र ने सोयाबीन मुंडी घुसेड़ के भागने का प्रयास है कमलनाथ सरकार को। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में जो सौगातें दे रहे हैं, भोर चराओ, बैंड बजाओ। अभी गोपाल जी ने तो कह दिया उनका बैंड बच जाएगा, अब ये मजाक है नौजवान। सर केंद्र ने सोयाबीन के भाव अंतर की राशि रोक दी, ये आरोप कल लगाया है। बिल्कुल बेकार की बात नहीं, हम भाव अंतर देते थे अपने खजाने से। आपने कहा सड़कों पर किसानों की घोषणा की है जी, सरकार ने 500 रुपया कुंटल देने इनको देना चाहिए, ये इधर उधर के बेकार के आरोप लगा। 2 लाख रुपए की आपने कहा सड़कों पर लड़ाई लड़ूंगा, अब तो बात कर सीधी बात। अभियान प्रारंभ किया और आज ही चुनाव की घोषणा हो गई, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, हमारी सेना निकल पड़ी है। और आज पहले दिन ही आप जन समर्थन देख रहे हैं, रास्ते में जहाँ जहाँ से हमारा काफिला गुजरा, जनता जनार्दन उमड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आ रही है। और इस उमड़ते हुए जनसेना को देख मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी सेना का मनोबल बढ़ाएगा। एक वोट मजबूत सरकार, उनका एक वोट मजबूत देश का प्रधानमंत्री बना। हमारा हमेशा से मुद्दा विकास रहा है और राष्ट्रवाद रहा है। सर कांग्रेस ने आज मैसेज कर दिया कि कर्ज माफी अब नहीं होगा, जो आचार संहिता लग गई है माफ करिए। अभी भी कोई कर्ज माफ नहीं किया, माफ करिए सर, अभी भी नहीं किया। एक व्यक्ति का भी 2 लाख रुपए माफ नहीं हुआ। क्या मानते हैं इसका डिफरेंट है, कांग्रेस का माइनस चेक करेगी? माइनस माफी धोखा है, धक्का मारू मौका। वेरी गुड, ओके।